तो भाई लोगों सभी का स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो ज्ञान भाई की होने वाला है। ज्ञान भाई का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। देखते हैं आज ज्ञान भाई क्या बताने वाले हैं अपने बारे में, एक्सीडेंट के बारे में। चलो देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम है सुजन मिस्त्री। आप लोग बहुत सारे बंदे मेरे को ज्ञान गेमिंग के नाम से हाँ भाई, जानते हम भी हो। ज्ञान गेमिंग के नाम और जानते हैं। 22 अप्रैल को लखनऊ में मेरे का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ वो भी पता है। जिस बंदे ने मुझे कार से मेरे जिस वजह से मेरे लेग कट गया है, हाँ तो अभी भी खुले हम घूम रहे अभी हैं, भी उसके अरेस्ट नहीं हुआ लिए का जेल में जस्टिस चाहिए। भाई, इस पे तो इसका न्याय तो होना वैसे ही चाहिए। कोलकाता से हूँ मैं, गया था लखनऊ, लखनऊ हाँ से गया था नेपाल। तो वहाँ से हम कुछ यूट्यूबर लोग आ रहे थे लखनऊ हाँ की तरफ। टोंडे भाई भी थे तो इसमें। रास्ते में मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था, तो हम लोग इनोवा में थे। तो ड्राइवर मेरा दरवाजा खुला था क्योंकि मिडिल पे बैठा था, और मेरे साथ अतुल गुप्ता था, हाँ सरजू गिरी थी जो नेपाल से थी, और उनके साथ उनका वाइफ और उनका एक सिस्टर थी। और जैसे ही मैं मिडिल पे बैठा था, जैसे ड्राइवर के दरवाजा खुला, तो मैं उतरा वॉशरूम जाने के लिए। तो मैं वॉशरूम जाने वाला था, इसमें एक तेज कार आके सीधा हम लोगों को, अब आपको फुटेज दिख जाएगी, सीधा कार में हिट किया और हम लोगों को कार सीधा खाई में गिर गया। और ठीक बहुत है, तो सिर्फ वो हम लोगों का इंडिकेटर चल रहा था, सब कुछ जल रहा था, डिपर वार्निंग था। जो कार इतनी तेज आ रही थी, मुझे उसकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दिया, ना उसका हॉर्न तक सुनाई दिया। मुझे पता नहीं उन लोग कितना ड्रिंक किया था, क्या नहीं किया अच्छा, था, दारू कितने पी के स्पीड में चलाते था, क्या? कुछ भी नहीं पता। जैसे ही ऐसे मैं देखा, बस एक लाइट दिखा मुझे और मुझे ऐसे टक्कर हुई, और मैं देखा मेरे अपना पैर कट के झूल ऐसे हाँ ऐसे 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 कर रहा था। अरे भाई ये तो बहुत तो गंदा हुआ उस समय भाई। मैं ज्ञान क्या भाई मेरे बोलूं, बहुत दुखी उस लग रहे हैं समय यार। मेरा मेरा दोस्त लोग सब खाई के दर्द थे। और जब एक्सीडेंट हुआ था, तो उन लोगों के कार अटक गए, वो लोग चारों बंदे, वो लोग बोला मेरे दोस्तों, वो लोग तो सारे भाग गए, तो सारे फोटो वोटो खींच रहे थे। कम से कम 20 से 30 मिनट हो गया, हो चुका था शायद, दोस्तों लोगों ने बोला है। तो मैं सबको बोला था, भाई कार बुला ले मेरे लिए, कार बुला लो। कार जल्दी से कर बुला यार, मैं शब्द नहीं आ रहा, मैं कैसे बोलूँ वो चीज़, मैं कैसे एग्जाम्पल। सब लोग फोटो खींच रहे था, मैं सबको बोला था भाई कार बुला दो, मैं बच जाऊंगा, कार बुला दो। मगर एक 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 इंसान नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त लोग देख के रो रहा था, सब लोग, मैं बोल रहा था भाई कार बुला दे, वो लोग भी रो रहा था, जो उनका वाइफ जो था वो लोग रो रहा था, भाई फोटो खींच रहे, तुम कह कार बुला नहीं सकते हो यार। टुंडे भाई जो नेपाल से थे, वो रो रो के सबको बोल रहा था, यार 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दो। तो टॉन्ड है भाई बहुत अच्छा है। मैं क्या कैसे, वो जो दर्द है ना, मैं बयान नहीं कर सकता यार। तो एक भाई साहब मिले जो, जिनको सब जो बोला जो, भाई मेरा दोस्त वो पास बहुत सारे कार रुका था, जैसे ही देखा था यार उसके पैर छूट रहे थे, वो चल जा रहा था, कुछ कुछ आ रहा था, कुछ कुछ चल भी जा रहा था। फिर जैसे तैसे कार मिला हम लोगों को, पुराना वाला, तो हम लोग उसमें बैठा, मेरा वो कटा हुआ पैर हुआ फिर झूल रहा था मेरे ये सामने। देखो भाई कैसे दूर रहा है यार, मैं बहुत क्या ज्यादा बोलूँ चोट उस लगी चीज़ थी। को, वो दर्द को मैं ऐसे पेन नहीं कर सकता यार गाइस। फिर वहां से मैं हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, हाँ तो रास्ते में एक एम्बुलेंस मिला था, जाते थे कुछ दूर जाते थे, एम्बुलेंस मिला था छोटा सा, क्योंकि उनके उन्होंने थोड़ा सा बैंडेज वगैरह कर दिया था। फिर हम लोग थोड़ा शिफ्ट हुए दूसरी एम्बुलेंस में, फिर वहां से हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। तो एक रास्ते मैंने बहुत 2 घंटा 3 घंटा में पता नहीं कैसे बचा, मैं मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे को बस सवाल, कुछ सवाल है ये चीज़ यार, किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट होता है ना रोड में यार, हाँ जी कोई भी इंसान देख रहे हो, भारतीय में जितनी बंदे देखते हो यार, जिस बंदे को पेन होता है ना, दर्द होता है, वो आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे यार। मैं कैसे बताऊँ यार, मेरे दोस्त दोस्त लोग जो रो रहे थे ना उस समय यार, जो कर रहे थे ना, मैं देख रहा था अपने आंखों से, पूरा होश में था मैं, मेरे को जो दर्द हो रहा था ना, मैं वो बाय नहीं कर सकता मेरा यार, क्या हो रहा था मेरे साथ। तो किसी तरह हॉस्पिटल में पहुंचा, अब कुछ कुछ हॉस्पिटल में तो ले ही नहीं रहा था, क्यों, बोल रहा था इसके फैमिली नहीं है। मैं घूमने गया, बोला था इसके फैमिली नहीं है, मैं खुद वहाँ पे मैं बोला था हॉस्पिटल वाले को, जो लोग आए थे, बोले मैं तो जिंदा हूँ, मैं कहीं भी बताओ मैं साइन कर देता हूँ, कुछ भी पैसा लगे तो ले लो, मेरे को बस बचा लो। क्या नाम था उसका, क्या आयुश्री हॉस्पिटल नाम है, अराइज अराइज हॉस्पिटल, अराइज आयुष हॉस्पिटल से बोल रहा था। मैं तो जिंदा हूँ, मेरे से साइन करा लो, मेरे को बचा लो। ऐसे भी हॉस्पिटल है क्या कई और यार? जगह शिफ्ट करने बोला। फिर मेरे कुछ दोस्त लोग जो लोग ऐसे तो बड़े नहीं दिल होना तो चाहिए। पट्टे था, आयुष, उनको दोस्त लोगों ने पहले ही एक चंदन हॉस्पिटल बोल के था, उन लोगों से बात कर चुका था। हम लोग गए तुरंत, जाने को हो गया तुरंत, मैंने वापिस, मैंने जल्दी जल्दी हो गया से बात है। तो जब मेरे आंखें खुली तो मैंने देखा, मेरा शायद मुझे लगा था मेरा पैर झुक जाएगा, कुछ होगा, मगर हुआ नहीं। फिर मैं तुम्हें बात करना चाहिए, व्यक्ति के क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया, जिस व्यक्ति ने
कुछ हुआ जिसके साथ क्या क्या कर रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ खुला घूम रहा है, बस खुला घूम रहा है यार वो तो चल जा रहा है। मैं अपने आपको बचपन से सुनते आ रहा हूँ ना, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुझे ना जो भी पता नहीं यार मैं कैसे वो चीज को बैन करूँ, जिस अगर मैं मर जाता हूँ पे, मैं अगर वहाँ पे मेरे दोस्त लोग नहीं रहते, मैं अकेला रहता, मेरे को तो उठने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पे, कोई नहीं उठता। अगर मैं दोस्तों में अगर अकेला घूमने जाता कि मेरे रूट्स में अकेला था, मेरे ड्राइवर रहता, मेरे ड्राइवर को भी कुछ हो जाता, तो अगर मैं सिर्फ सिंगल और मेरे ड्राइवर रहता तो कोई आता आता ही नहीं मदद करने यार, बिल्कुल नहीं आता भाई, इंसानियत यही नहीं अभी तक। और उस व्यक्ति को सजा क्यों नहीं मिला? वो बंदा थाना भी जा रहा है, साइन कर रहा है, बस मेरे पैर कट गया, मैं वो झेला हूँ, 3 घंटे तक मैं ट्रैवल करके हॉस्पिटल में पहुंचा, क्यों? मेरा जो दर्द है ना अंदर, अगर आप लोगों में खुल के दिखाऊंगा ये जो दर्द, 40 दिन में हॉस्पिटल में था, 40 दिन भाई, जो पेन, मेरा 4 बार ऑपरेशन हुआ था, मेरा 4 बार, मेरे दोस्तों को बताए और फिर हर एक नर्स को बताए, हर डॉक्टर को बताया, जो मेरा पेन हो रहा था, मैं जो रो रहा था, मैंने क्या बोला आप लोग यार, मैं तो सोचा नहीं था मैं बचूंगा। सबसे पहली बात यार, एक बार हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम ऑपरेशन में रो दिया, इतनी ज्यादा स्पाइनल पेन हो रहा था मेरा, ये चीज अच्छा नहीं है सिस्टम का, कुछ भी नहीं। अरे भाई देश में सिस्टम ही तो खराब है, मेरे एक प्यार कट चुका है बंदा, खुलेआम घूम रहा है, तो उस बंद सिस्टम से मैं पूछना चाहता हूँ, सिस्टम हो, भारत सरकार हो, आई नहीं हम लोगों का। मैंने कुछ भी पहले सुना था कोई पुणे वाले 2 बंदे को मार दिया, अगर वो लोग बच जाता, वो लोग मैंने कुछ भी बच जाता कुछ भी करके, तो क्या होता उस बंदे का? अभी तो वो लोग मर चुका है, तो उसको क्या, उस बंदे को सजा नहीं मिल रहा, वो 17 साल के, और मेरे बंदा तो वो तो खुलिया घूम रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही उसके साथ, ऐसा मुझे सुनने को मिल रहा है, बस थाने में जा रहा है, साइन कर रहा है, खत्म। इतना भी उसका चीज है, मुझे गाइस इतनी चीज मुझे पता है, जो मेरा जो नुकसान हुआ है ना, वो किसी और का ना हो, चीज के लिए जिंदगी भर मैं कितनी तड़पूंगा मुझे पता है, मेरा जो दर्द हुआ है ना सिर्फ मैं जानता हूँ, जे कितनी दर्द हुआ है, कितना रोया हूँ मैं, इससे तो भाई जिंदगी भर की परेशानी होगी यार। और गाइस ये मैं बता नहीं सकता, मेरे जख्म, मेरा चीज फिर भी दिखा रहा है भाई, ज्ञान भाई बहुत दुखी है इस बात पे। गाइस मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, मैं भी निवेदन करता हूँ, लखनऊ वाले से, इंडिया वाले से मैं निवेदन करता हूँ, मैं उसका कार का दिखा दूंगा कहाँ पे फुटेज है उसका, कार का क्या नंबर है, यूपी वाले पुलिस से, लखनऊ वाले पुलिस से, मोदी सरकार से, कोई भी सरकार है, भारत सरकार से मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति से भी, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सजा ना तब भी कम है, सजा 2 साल 3 साल, अगर मैं जब भी पड़ा था उस रूट में, मैं वही सोच रहा था उस रूट में मेरे दोस्त लोग नहीं होते, उस ड्राइवर नहीं आते मेरे को बचाने के लिए, तो क्या होता मेरे साथ, क्या करता मेरे साथ जख्म को, इसमें अभी भी गैस दर्द होता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो ना गैस यार, अभी भी रात में सो नहीं पाता कि मुझे पेन किलर लेना पड़ता है इस दर्द के लिए। तो मेरा सरकार से निवेदन है, उस व्यक्ति को पकड़िए, मेरा जो भुगतान है मेरा, मैं डेली मंथ में मेरा कम से कम 1.5 लाख रुपए मेरा अर्निंग होता था, अब मैं 1 साल कुछ नहीं कर पाऊंगा तो इसका पैसा कौन देगा, जिम्मेदारी कौन होगा? सारे जे मैं पूरी उम्र यूट्यूब वगैरह काम, ये तो बस 2 दिन का चीज़ है, मैं करना नहीं चाहता, मेरा पैर कट गया मैं क्या करूँगी, अभी कुछ करना नहीं चाहता। अगर मेरा हाथ पैर कट जाता, मैं चारों हाथ कट जाता, 2 पैर कट जाता, कि ना 2 हाथ कट जाता, मैं क्या करता? वो व्यक्ति तब भी घूमी, मैं मर जाता तब भी वो व्यक्ति घूमता। हाँ भाई ये बात तो गलत है ना, हर बंदे से, हर व्यक्ति से, हर पुलिस वाले से, जिस ये जो कार का नंबर है उनको सजा दीजिए, मेरा जिंदगी का सजा तो कम हो गया है, सजा उनके लिए सजा है ही नहीं, ये चीज के लिए सजा होता ही नहीं है यार, मेरा मानना है।
क्योंकि जो मेरे में बिकता है ना, जो मेरे में जो बीता है ना, वो मैं बता नहीं सकता किसी को यार। मेरे बम्पी डैडी से मिल नहीं पाऊ, बात करते रहो, रोता है वो लोग, कांपता है मेरे मम्मी डैडी, मेरे दोस्त लोग, क्या बोलूं मेरे को यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता गाइस यार। जो दर्द होता है ना मेरे को, मैं सो नहीं पाता, कभी कभी दोस्त लोगों को बोलता है हॉस्पिटल यार, काश मैं मर जाता दोस्त। मेरा एक दोस्त टूटने का बोल के वो कितनी बार उसकी सर्जरी में मेरे सुसु कर दिया, मुझे खुद नहीं पता। उनका परिवार देख रहे यार, मेरे परिवार देख रहे कि मेरे साथ रहे वो लोग यार, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। मैं पता नहीं सकता कैसे यार, वो पेन पेन ना वो पेन मुझे 3 घंटे का जो पेन है ना, मैं आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकता यार। जो बंदे का प्यार करते हैं तो उस दर्द को क्या होता है, क्या समझते हैं आप लोग? वो ना ड्राइवर ना वो बंदा समझेगा जिसने मुझे मारा है, ना पुलिस वाले समझेगा जिसने कंप्लेंट लिखा है, ना वो लोग जो वो सिस्टम है जिसने समझेगा जिस बंदे का प्यार कट जाता मैं जिंदा हूँ। उस हॉस्पिटल वाले जो आ रहे हैं हॉस्पिटल वाले समझेगा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा इलाज कर दीजिए। उस समय से 1.5 घंटा हुआ था, 1.5 से 2 घंटा कि मेरा इलाज कर दीजिए, मैं जिंदा हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ जितना पैसा है उतना लगाइए, मगर नहीं किया उन्होंने इलाज। पहले इसको बुलाइए, पहले पुलिस वाले को बुलाइए, पहले उसको बुलाइए, फिर बस यही चलते रहता है जिंदगी इसमें तो जाए। सरकार से बस यही चाहता हूँ, ये जो रोड हट से होता है ना, कभी दिल से सोचिए क्या बीतते हैं उस बंदे के ऊपर जिसको बड़ी चीज होता है। हाँ भाई बहुत मेरे साथ हुआ है, ठीक है, मेरे साथ वो चीज हुआ है, वो हादसा हुआ है, मेरे को पता है जी क्या हुआ है मेरे साथ। तो मैं जिंदगी भर कैसे चलूंगा, क्या मुझे इससे चलना पड़ेगा, क्या वो बंदा मेरा प्यार फिर से दोबारा कर सकता है? नहीं दे सकता भाई। क्या सरकार मेरे लिए सेम जैसे मैं था वैसा मेरे लिए कर सकता है मेरी सरकार? नहीं कर सकता। क्या मेरा पुराना वाला प्यार मेरे लिए लगा सकता है जैसे मेरा प्यार था? ये वाला प्यार जैसे इसमें भी बहुत सारा जख्म है, इधर है, नीचे है, इधर है, इधर भी टूटा हुआ है, इधर बहुत सारा जख्म है, देखना चाहते हैं आप लोग, इधर भी बहुत सारा जख्म है जिससे मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, हल्का हो पाता हूँ इस पैर से। तो उस हर सिस्टम से मुझे सवाल है, मैं कैसे जिंदगी भर सही चलूंगा, क्या वो व्यक्ति मेरे लिए सारी उम्र भर मेरा खर्चा उठा पाएगा? बिल्कुल नहीं उठाएगा भाई। अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को सजा मत दीजिए। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति को जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है सेम जगह पे उसका यही पैर कटना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। 3 घंटा बैठ के हॉस्पिटल में आके रोए और ऐसे ही उसको मदद मिले जैसे मेरे को से मिला था, ऐसे ही वो लोग करते पे। ये मैं चाहता हूँ, अगर मैं मर जाता तो खुलेआम घूम रहा होता, अभी भी जैसे घूम रहा है। हाँ। सरकार मेरे लिए चीज कर सकता है? नहीं करेगा ये भी। अगर नहीं कर सकता तो मेरे लिए एक पॉइंट लिख दे, जे सुजन मिस्त्री आप लखनऊ में आइए, आपके लिए एक चीज इशू होगा, जे आप लखनऊ में आके एक्सीडेंट करिए, किसी को भी मारिए, किसका भी किसको भी टांग कटे, कुछ भी कटे, आपको कुछ नुकसान नहीं है, बस आपको थाने में जाना है, साइन करना है, यही हम लोगों का लॉ है। हाँ। यही सिस्टम है, अगर यही सिस्टम है तो मुझे लिख के भेजिए ये चीज, जे सुजन मिस्त्री आप लखनऊ में आइए, किसको भी मारिए, क्योंकि मुझको रही ना आप लखनऊ में है। अगर ये नहीं होता है तो जितने भी खर्च होगा पूरा लाइफ टाइम तक उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सरकार उठाए मेरे लिए, कर सकते हैं? हर व्यक्ति मेरे लिए नहीं, जिसका भी ऐसे हादसा हुआ है, वो लोग नशे में थे, मेरे दोस्तों लोग दोनों नशे में थे, कैसे थे, ओवर स्पीड कर रहे थे, कम से कम 120 के ऊपर तो था ही, 120 150 पता नहीं कितनी स्पीड था उसका। अरे भाई गाड़ी देखो कितना खराब हो गया है इधर से। एक बार मेरे हॉस्पिटल तक मेरे को मिलने नहीं आए वो लोग, एक बार भी नहीं जो हॉस्पिटल में मिलने आए मेरे, मेरे को पूछ नहीं है क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए, आपको हमसे गलती हो गई, और एक बार भी किले नहीं, इतनी घटिया आदमी थे एकदम। सरकार मेरे लिए जिंदगी भर मेरे जैसे हर बंदे के लिए कर सकते हैं, मेरे सारे खर्चा उठा सकते हैं आप, तो ये मेरा बैंक डिटेल्स है उस व्यक्ति के लिए। अगर उसको सजा मुझे नहीं चाहिए,
सजा उसको देना नहीं है। मेरे निवेदन है हाथ से उसको वही जगह पे अपना डा पैर काट के फेंक दिया जाए परवर के साथ। और वो मेरे तरह तड़पाए कार के लिए, रोए, हर बंदा सेल्फी खींचे उसकी, फोटो वीडियो बनाए, क्योंकि मुझे वो, मैंने जो झेला है ना सर बता नहीं सकता, मैंने जो खोया है मैं बता नहीं सकता। जिसका जो जाता है वही समझता है। बंदे माता को फाइनली गाइस कैसी लगी ये वीडियो? आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।